इनको में वोट देंगे और जीतेंगे। हाँ, हमें पूरा विश्वास था कि बाप बेटा की लड़ाई हो, उसमें बेटा की जीत पक्की है। देखिए, बाप बापे होता है, पहले से विश्वास था कि जितना मांझी जी जीत जाएंगे। हाँ, विश्वास सभी लोग के 4 जून का इंतजार था, जो आज घड़ी वो आ गए है, जो कि जितना मांझी जी गया लोकसभा क्षेत्र से विजय हुए हैं और यहाँ के काफी जनता लोग इतना खुश नजर आ रहे हैं। और क्या कराने के खुश नजर आ रहे थे, मैं यहाँ के कुछ जो दर्शक है मैं उनसे मैं बात करने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। आज देख रहे हैं सभी का चेहरे पर मुस्कान छाया हुआ है, एकदम रंग गुलाल के साथ में। मुस्कान का सौभाग्य है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीताराम मांझी जी ने अभी लोकसभा का चुनाव जीत करके अपना समाज और पार्टी को मान सम्मान बढ़ाया है। खुशी हो रहा है आपका? बहुत खुशी, इसका कोई बयान नहीं किया जाए कि जितना मैं खुश हूँ। हमारा समाज खुश है, मेरा पार्टी का खुश है, पार्टी का गठबंधन खुश है। अच्छा, ये जब खड़े हुए थे तो उस समय विपक्षी दल बोलते थे कि बाप बेटा की लड़ाई है, उसमें बेटा की जीत पक्की है। देखिए, बाप बापे होता है, बेटा कभी बाप बन सकता है? साबित हो गया कि बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा जी। अच्छा, क्या लगता है कि आप जितना जो कमियां था गया लोकसभा क्षेत्र में, बहुत से ऐसे आप भी घूमे होंगे तो बहुत से कमी दिखा होगा, क्या पूरा होंगे उस? देखिए सर, पूर्ण तरीका से चाहेंगे कि हम अपना अधूरा काम है वो पूरा हो और पब्लिक का काम किसी तरीका का बाधित ना हो। नहीं होगा? हाँ, एकदम अपना मन तन धन से एकदम जितना जो हक है गरीबों का वो पूर्ण रूप से करावेगा। देखिए, हमारे आप पहले भी सुने होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीताराम मांझी जी जब थे कैबिनेट के मंत्री थे, फिर भी गरीब का वो चर्चा करता था। कभी कभी इस तरीका का चर्चा होता था कि इन पर बहुत सारा विरोधियों ने तरह तरह का उसका एक शब्द को अनेक शब्द निकालने की कोशिश करते थे जी। तो देखिए, यहाँ पे और महिला भी है, मैं महिला लोगों से मैं बात करता हूँ कि आखिर इन्होंने कितना खुशी जता रहे हैं। क्या नाम हुआ जी? पूनम कुमारी। कितना खुश है आज संसद जी जीत करके आए हैं? हमें बहुत खुशी मिला है। काहे मतलब खुश काहे, किस काम के लिए खुश हुए? खुश हुए इसलिए कि हमारा कास्ट जीत चुका है और जिसमें हम खड़े थे उसमें खड़े संतोष मांझी जीत चुका था, इसलिए हमें बहुत खुशी मिला है। पहले से आपने सोचा था कि इनको में वोट देंगे और जीतेंगे? हाँ, हमें पूरा विश्वास था कि जीतेगा हमारा कास्ट। क्या जीतेगा? नहीं, गरीबों का मसीहा है जीताराम मांझी। गरीबों का मसीहा है जी, गरीब पर ध्यान करेगा। ध्यान करते हैं? करते हैं और करेगा। करेंगे भी? करेगा। क्या आगे भी करेगा? जी, क्या चाची, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा, मेहनत करके वोट देंगे। वोट दिए थे? हाँ, तब हमको सुने ने, हमको कहे कि गरीब के नेता नहीं कोई है तो नेता बनावल जाए, पूरा फिल्म में घूर लिए कि एक चांस ना हम गरीब के नेता बना के देख। 5 साल लिए नेता बना के देख, नेता जब भलाई कर दे तो फिर नेता बनेबे। मैंने अच्छा काम करें? हाँ, फिर नेता बनेबे। क्या मतलब, ऐसा कुछ कमी है जो आप पूरा कर देंगे? अभी तो जीतवे कहले करे के लिए तो काम करते, तब इन गरीब के अभी नेता बनवे के तो कुछ सोच के तो दिए होंगे कि काम करेंगे। हाँ भैया, करते ना। क्या करते ना? चलिए, क्या दीदी कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है। जीतराम मांझी जी जीत के यहाँ पे आपने अभी मिले भी, क्या मतलब क्या लगा? अच्छा लगा है। अच्छा लगा, एकदम पहले ही से आपने ठान लिया था कि जीतराम मांझी जी को जिताना है और दिल्ली के भेजाना है? बैठाना है, फिर 15 दिन घूमे है। 15 दिन उनके रैली में घूमे है, वो तपती धूप में। हाँ, तपती। विश्वास था कि जीतराम मांझी जी जीतेंगे? विश्वास था, इसीलिए तो घूमे। जीतेंगे, जीतन मांझी जीतेंगे जी। तो देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे सभी लोग खुश है और इसको सब करो। देखिए चाचा लोग यहाँ पे हैं, मैं चाचा से बात करता हूँ कि आखिर इन्होंने जीताराम मांझी जी को जिता करके आए आज दिल्ली के कुर्सी में बैठा दिए हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम राजीव कुमार जी। आपने ये पहले सोचे थे कि जीताराम मांझी जी जीतेंगे? हम तो पहले से ही कहा, मैंने इस चुनाव में जिस दिन इनका नामांकन हुआ था उसी दिन से हम जीत की मैंने भूमिका में थे, क्योंकि इनका जो कार्यक्रम जो है गया में, जितना मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने विकास की लंबा खींचा वो कम था। अगर इनको समय और साल भर के लिए मिलता तो गया इतना विकास होता कि बिहार के मानचित्र में होता, लेकिन वो काम अब अधूरा पड़ रह गया। अब उसको ये सांसद के रूप में ना बल्कि मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में मैं इनको देख रहा हूँ। अब लग रहा है कि जो बचा खुचा काम, बचा खुचा हुआ काम जो सारा कार्य पूर्ण होगा, होगा एकदम निश्चित होगा।
जी। अच्छा सर, बहुत से पहले लोग ये कहते हैं, अभी गांव में घूमे होंगे तो बोल रहे थे कि मोदी के सरकार की वजह से बेरोजगारी छाया हुआ और फिर अभी न खुश है। देखिए, ये तो प्रतिद्वंदी है जो तो कुछ न कुछ जुमला लोग बनाते ही है, बेरोजगारी है ये ऐसा मानते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि कोई सरकार आया और तुरंत पाट दे बेरोजगारी खत्म कर दे। बेरोजगारी खत्म करने के लिए समय लगेगा और धीरे धीरे इसमें प्रयासरत करेंगे। हमारे मंत्री जी जो अब जो चुनाव जीत कर जाएंगे तो इन लोग भी अब माननीय नरेंद्र मोदी से ये बैठ करके बात करेंगे ना जी। और ये गैप को पूर्ण भगाने खत्म करने के लिए कि बेरोजगारी के मुद्दा पर क्या है, हम कहते हैं कि 1 PCA मंत्री बनेंगे बिहार के, जो कि नरेंद्र मोदी से बैठ करके बात करेंगे। यानी जो गांव जो रूरल एरिया में समस्या रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जो ये हमारे जीतनराम मांझी जी जो हैं, जितना देहात में गांव में रह करके आम लोगों से समस्या का निदान जो समझते हैं, ऐसा नेता कहीं धरती पर हमने नहीं देखा। यानी गरीब का एकदम जन जन का कोई भी दरवाजे पहुंच जाए उसका सुनना, तुरंत बात कराना, ये सब चीज मानना पड़ेगा। ये आओ यही है जो इनका कार्य जो रहा, ये आज इसके भूमिका में जो सफल हुआ जी। सर पहले ये जब खड़े थे तो वो समय कह रहे थे कि एक समय था कि बाप के साथ में लड़ाई हुआ था और इस बार बाप बेटा के साथ की लड़ाई है। अब तो वो चीज़ अब उस पर तो हम विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो अब उनके पिताजी स्वर्गवास कर गए तब वो सब पर राजनीति पर यह टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो सब चीज़ मैंने ठीक नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चाचा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है भैया? बहुत खुशी हो रही है, हमारे गार्जियन श्री जीतनराम मांझी जी विजयी हुए हैं 1,22,000 वोटों से। खुशी किस बात के लिए हो रही है? जो जीत हुआ है, 2 साल से हमारे गार्जियन हार चुके थे, तीसरी बार उनकी जीत हुई है। जिताने के मतलब कुछ मकसद है? मकसद सर विकास करना है गया में, हमारे जो काम अधूरा पड़ा हुआ था उसको विकास करेंगे गार्जियन हमारे। मैंने जो पहले कमियां रह गई है जितना डेवलपमेंट करते वक्त में कुछ रह गया। इनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया था 9 महीने के लिए तो बहुत काम किए थे और सब डर गया था इनका काम देख के, इसीलिए इनको मैंने कुर्सी से हटा दिया गया था। अब उनका काम आप पूरा ही करेंगे, अब पूरा हो जाएगा जी बिल्कुल। तो क्या मतलब अब जो सेंटर में प्रधानमंत्री बनेंगे उनसे डायरेक्ट बात करके जो गांव में समस्या है उनको समाधान किया जाएगा? जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। हाँ। और इनका बात माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी मानते हैं और बहुत अच्छा से हमारा गया शहर विकास करेगा। हमारा क्षेत्र जो है गरीबों का मैंने रहा, यहाँ बुद्ध का धरती है, विष्णु का धरती है, यहाँ विकास होगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा, हमारा जो मूसा समाज है वो आगे बढ़ेगा जी। तो देख रहे हैं सभी, विकास के ये एक मुद्दा है कि विकास करना है गया के, जो गया लोकसभा क्षेत्र है उसको विकास करना है, ऐसे सोच करके जीतनराम मांझी जी को लोगों ने जिताया है। क्या नाम हुआ भैया? रामप्रीत भारती नाम हुआ मेरा सर। कैसा लग रहा है आज? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना आनंद आ रहा है कह नहीं सकते। और इस खुशी के, जीत के खुशी में गया के लोकसभा के जनता को हार्दिक शुभकामनाएं कि उनको अपना बहुमत दे करके जो बहुमूल्य मत था जिताए हैं। जी जी। अच्छा मतलब क्या कुछ सोच के उनको वोट किए होंगे कि इनको जिताएंगे तो क्या क्या हो? देखिए, ये शुरू से आज से राजनीति के साथ 40 साल लगभग हो चुका है इनका और बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत सारे चीज़ें लोग को पता है। अभी देखिए पिछले अभी मामूली विधानसभा में चुनाव भी लड़े हैं, 2 बार लगातार जीता है और बहुत अच्छा काम हुआ एकदम, बिल्कुल विकास इस तरह से होना चाहिए। और हर एक तबके के लोग जाति धर्म छोड़ के इनको मांझी जी को लोग सपोर्ट किए हैं, पार्टी बेसिस छोड़ के व्यक्तिगत इनका अपना भी लगाव है इनका माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का, जो लोग इनको बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लिया और इनको वोट दिए, इनको जीता है। जिन पे विश्वास है कि जो गरीब का समस्याओं का रहेगा समाधान हो। बिल्कुल, ये गरीब का मसीहा है, हकीकत बात है, किसी के लिए भी हो। आज हकीकत बोला जाए, जो वोट देता तो भी ठीक, नहीं देता तो भी ठीक, इनके लिए जे इनके द्वार पे कहते ना कि भगवान एक होता है जो उनके द्वार पे जाता है वो सबका भला करता है भगवान, उसी प्रकार हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी है, कोई भी तबके के लोग आते हैं उनका मदद 110% मिलता है। और लोग के पास तो आवेदन जाता होगा, काम करता है कि नहीं पता, हम किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन इनके पास 110% है कि उस आवेदन पर काम होता है, एकदम श्योर मान के चलिए। पहले से विश्वास था कि जीतनराम मांझी जी जीत जाएंगे? हाँ, विश्वास तो था, क्योंकि हमारे माननीय पूर्व हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी एक बहुत बड़ा
यहाँ पे रोल रहा भी, हाँ आशीर्वाद भी रहा है, और गया में आके बोल भी दिए थे कि जनता से आप एक मैसेज दे दीजिएगा कि हम मोदी जी आए थे इस बार को, मैसेज लेके पूरा बिहार में मैसेज गया और अच्छा से अच्छा 36 सीट हम लोग लाए और फुल बहुमत से हम लोग सरकार भी बना रहे हैं जी। और सेंटर में तो मोदी जी के फुल हाँ, वो तो 100% हमारे माननीय मोदी जी रहेंगे जी। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट में अपना राय जरूर रखें। जय हिंद।